बताने वाला हूँ कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसका 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप्स के आपके एग्जाम होंगे और कितने घंटे का होगा, कितना टाइमिंग रहेगा। तो 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, इस सेकेंड सेमेस्टर एनुअल एग्जाम इसको हम लोग बोलते हैं और फाइनल एग्जाम भी बोलते हैं, जिसमें आपका चैप्टर 1 से लेकर 12 चैप्टर तक का हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तभी वो 80 मार्क्स कैसे आएंगे, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, या चूज दी करेक्ट आंसर पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा आपको मैच द कॉलम 5 मार्क्स करेगा और 5 दिया रहेगा, हर एक क्यूब में आपको एक एक मार्क्स मतलब 5 मार्क्स के रहेंगे। थर्ड आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का, जिसके अंदर 5 दिए रहेंगे, ट्रू और फॉल्स आपको लिखना रहेगा, 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। एंसर इन 1 सेंटेंस आपको 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, 1-1 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 1 सेंटेंस में आपको आंसर देने रहेंगे। ये 20 मार्क्स के टोटल आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। अभी यहाँ पर आपको आ जाएगा एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट एनी 4, आपको टोटल 6 दिया रहेगा जिसमें से आपको कोई भी 4 क्या करना रहेगा, आपको अटेम करने रहेंगे। इसके अलावा केस स्टडी आएगा, जिसके अंदर आपको एक केस दिया रहेगा उसको आपको स्टडी करना रहेगा और उसके बारे में आंसर देना रहेगा। 3-3 मार्क्स के 2 आपको अटेम करने होते हैं, टोटल 3 आता है जिसमें से आपको 2 अटेम करने रहते हैं। वहाँ पर आपको पूरे वो केस स्टडी को स्टडी करना पड़ता है और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं उसके आंसर देने पड़ते हैं। ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 आएंगे 3-3 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। यदि मैं डिस्टिंग्विश की बात करूँ तो डिस्टिंग्विश आपको पूछा जाता है एग्जाम में, टोटल 4 पूछा जाएगा जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने रहेंगे, 12 मार्क्स होता है, 4-4 मार्क्स के 1 होते तो 3 से आपको 12 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है। आंसर इन ब्रीफ आपको पूछा जाएगा एनी 2, कोई भी 2 आपको, 3 यहाँ पे दिया रहेगा उसमें से कोई भी 2 आप अटेम्प कर सकते हो, 4-4 मार्क्स के रहते हैं तो इसलिए टोटल आपको 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करने के लिए बोला जा सकता है, ये भी आपके 4 रहेंगे, 4 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प करने रहेंगे, 4-4 मार्क्स के 2 रहेंगे तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अटेम्प द फॉलोइंग यहाँ पे वापस से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 3 जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे, 5-5 मार्क्स का रहेगा, तो इसके अंदर से आपको जो भी लॉन्ग टाइप के थोड़ा आंसर होते हैं वो आपको लिखने रहेंगे 5 मार्क्स के। एक लास्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8, जो 8 मार्क्स का एक ही सिंगल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। ये एग्जाम जो रहता है आपका लास्ट एग्जाम होता है, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है, इसमें पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 35% आपको ओवरऑल लाना पड़ता है। यदि आप 35% लाते हो या 35 मार्क्स लाते हो 100 में से तो आप पास हो जाओगे। अभी 80 मार्क्स का पेपर है तो इसमें कम से कम आपका 30 नंबर होना चाहिए, 30 नंबर आप यहाँ पे लाओगे तो 20 मार्क्स में से आपके जो टीचर रहेंगे वो आपको कुछ मार्क्स दे देंगे और आप इजली पास हो